कहीं भी किसी भी तरह से इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं, मन बना चुका है मानने को तैयार ही नहीं कि भाई चुनाव प्रक्रिया में सुधार होगा, वोटर कार्ड और आधार के लिंक होंगे। ये बात मानने को कतई भी तैयार नहीं है विपक्ष। ये बात आप भले ही जानते हैं, इस पे हम जितना देर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा शाम तक भी बैठ के डिबेट कर देते हैं, बहस कर लेते हैं, तो कोई हल निकलने वाला नहीं। सीधी सी बात है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार होगा, ये भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके लिए वोटर कार्ड को आधार से लिंक और कोई भी इसका कारण सरकार चुनावों में सुधार की दृष्टि एक सराहनीय पहल सरकार का स्वागत सबको करते। लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि कोई भी सही काम सरकार करे तो बस उसके खिलाफ बोलना है और बेबुनियादी बातें करें, निराधार बातें करें। यही काम विपक्ष है भाई, चुनावों में फर्जी वोट ना डाले जा सके। इसी के लिए तो आधार को वोटर आईडी से अत्यंत, और विपक्ष भी बहुत अच्छे से जानता है कि भाई फर्जी वोट डाले जाते हैं। आदमी रहता है बिहार में या रहता है कहीं और अदर स्टेट में और फिर दिल्ली आ जाता है तो वो दिल्ली का भी उसका वोट बन जाता है, दिल्ली में भी वोट करता है, जब वहां वोट आता है तो वहां भी वोट करता है। तो अब क्या होगा, इन्हें क्यों इन्हें किस बात की परेशानी हो रही है? इसीलिए कि फर्जी वोट ना डाला, फर्जी वोटों का नाम लगाने की तैयारी की, बस यही चिल्ला है, यही बौखला है, जिंदा था बेबुनियाद विरोध वही कर रहे हैं, फर्जी वोट चल एक लाइन ठीक है भाई। इतना जनमानस का जो फैसला होता है वोट सरकार को, तो फर्जी वोट वाड़ा ना हो, एक आदमी दो जगह न डाल, इसी के लिए तो वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिख देता, क्या परेशानी हो सकती है? सही है, लेकिन बेबुनियादी बातें करना, आरोप लगाना, चीखना चिल्लाना, ये विपक्ष का ये चर्चा है। ठीक है, आप 10-15 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सुनिए अजय जी, आप गलत शब्दों का प्रयोग, सच्चाई यही है। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी के वहाँ भजन सांसद राजेश जी, आप ही डिमांड करिए अपने सांसदों से कि भाई पार्लियामेंट में जाओ, सिर्फ हाजिरी लगाए या वहाँ पे कानून बना दे, तुम कानून बना दे किस हक में, बात कितनी सुनिए पार्लियामेंट में बहुत सारी डिबेट्स में बहुत सारी जगह बैठता हूँ, प्रारंभ से ही आपकी बातचीत, आपके शब्दों का चयन और बातचीत करके लगा कि भाई डॉक्टर अजय उपाध्याय बहुत बढ़िया है, अच्छे से हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों लोग हम सुन भी रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि कम से कम मर्यादित शब्दों के साथ रहे। नहीं, भजन कीर्तन आप नहीं नहीं भजन कीर्तन कोई मर्यादित शब्द है तो मैं बंद कर देता हूं। आप नहीं नहीं आप कह रहे हैं ना, नहीं गलत कह रहे हैं आप, जो गलत बात है तो मैं बंद कर देता हूं। आप देखिए अजय जी की बात का रेस्पॉन्स कीजिए, क्लोजिंग कमेंट आपसे, उनका कहना है सरकार तानाशाही कर रही है और सारे बिल अपनी मर्जी से पास करवा रही है। नहीं नहीं, ये तो मैंने प्रारंभ में ही कहा, ये तो मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा भाई, मैंने कहा कि जिस डिबेट पे आज हम बैठे हैं, विपक्ष की ओर से लगाए गए सारे आरोप, सारी बातचीत उलूल जुलूल भी है, बेबुनियाद भी है, निराधार भी। मैं मेरे शब्दों को पुनः कहता हूँ, अभी 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 सुनिए, अभी अजय जी ने कहा, अभी तो कहा इसी में जिससे अभी हमने भजन कीर्तन की बात शुरू इन्होंने की और मैंने इनका जवाब दिया, उसी में इन्होंने कहा कि भाई चर्चा के लिए बुलाते हैं और वहाँ शोर मचवा देते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं होते हैं, शोर हम मचवा देते हैं, शोर आपकी तरफ से प्रधानमंत्री जी नहीं होते।